दोस्तों, एक इंसान की विल पावर क्या होती है, वो जब ठान ले हृदय में ना ही मैं रुकूंगा ना ही मैं झुकूंगा, ये हमने इस क्रिकेटर से सीखा जिसे 10 साल तक बेस प्राइस में खिलाने के बावजूद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 2022 आईपीएल में उन्हें 10,75,00,000 में खरीदा गया। खुद की क्रिकेट खेलने की इच्छा और माँ बाप का रोजी रोटी का स्ट्रगल हर किसी को अपने गेम से हिलाकर रख सकता है, मगर हर्षल पटेल ने हार नहीं मानी, जिसे देश छोड़कर विदेश में परफ्यूम तक बेचना पड़ा मगर हर्षल ने खेलना नहीं छोड़ा, जो आज हर किसी के लिए एक मोटिवेशन है और लोग हर्षल जैसा बनना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को 100% यूज करते हैं, जो अपने आप को ही बदल लेते हैं और एक दिन हिस्टोरिकल बन जाते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में कैसे बनना चाहते हैं। और फिर हर्षल पटेल की स्टोरी फिल्म के किसी हीरो से कम नहीं है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, सबर रख मेरे दोस्त तेरा वक्त भी आएगा। गुजरात से ताल्लुकात रखने वाले हर्षल विक्रम पटेल का क्रिकेट करियर सानंद शहर की गली मोहल्ले से शुरू हुआ, जिन्हें 8 साल की उम्र से ही तंग हालात के बावजूद पेरेंट्स ने उन्हें कोच तारक द्विवेदी के पास क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी, जो स्कूलिंग के साथ साथ क्रिकेट में भी एक क्वालिटी ऑलराउंडर हुआ करते थे। मगर एट दी एज ऑफ 15 जब 2005 में उनके पेरेंट्स रोजगार की तलाश में अमेरिका चले गए, तब हर्षल को भी पढ़ाई क्रिकेट सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा, मगर लैंग्वेज प्रॉब्लम के चलते रास्ता कोई दिखाई दे नहीं रहा था, इसलिए हर्षल ने पेट पालने के लिए एक परफ्यूम शॉप पर 12-12 घंटे सेल्समैन का काम किया। जिंदगी मानो नरक सी बन चुकी थी, लेकिन कोच तारक द्विवेदी के रिक्वेस्ट पर उनके टैलेंट को देखते हुए घरवालों ने उन्हें 6 महीने इंडिया में क्रिकेट और 6 महीने अमेरिका में काम करवाने का फैसला किया। तब हर्षल पटेल ने ठान लिया था अब तो एक क्रिकेटर ही बनना है और मैं बन के दिखाऊंगा और इंडिया के लिए खेल कर दिखाऊंगा, जिन्हें बहुत जल्द उनकी पेस बॉलिंग को देखते हुए गुजरात अंडर-19 टीम में शामिल किया गया, जिसके बाद उनकी असली कहानी की शुरुआत हुई। हर्षल ने जब 2008 विनु माकड़ ट्रॉफी के 7 मैचों में 23 विकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में सिलेक्टर्स ने जब उनके जज्बे को देखा, तब उन्हें इंडिया अंडर-19 में एक अवसर दिया जिसे उन्हें प्रूव करना था। मगर हर्षल ने ऑस्ट्रेलिया टूर पर अपनी बॉलिंग से सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर हाथ आई इस अवसर को गोल्डन अवसर बना दिया और हर मैच में अपने आप को साबित करने में लगा दिया। तब जाकर उन्हें 2009 अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया में शामिल किया, मगर खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आईपीएल 2010 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें बेस प्राइस 10,00,000 में अपनी टीम में शामिल कर लिया और बेंच पर बैठा दिया। मानो बुरा वक्त उन्हें घेर रहा था, मगर हर्षल अपनी बॉलिंग में नेट प्रैक्टिस से लगातार इम्प्रूव कर रहा था, चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका था, वापिस अमेरिका जाना भूल चुका था, लाइफ में सरेंडर करने का तो सवाल ही नहीं था। तब हर्षल ने हरियाणा की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का एक मुश्किल फैसला किया और फर्स्ट क्लास रणजी क्रिकेट के 7 मैचों में 28 विकेट लेकर फिर से अपने आप को प्रूव किया और 2011 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से 12 मैचों में 9 विकेट लेकर अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को मजबूत किया। मगर आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 4 साल और पसीना बहाना पड़ा, तब जाकर 2015 आईपीएल के 15 मैचों में 17 विकेट लेकर संतोषजनक परफॉर्म किया ही था कि 2016 आईपीएल में लो परफॉर्मेंस और फिर 2017 में उन्हें 20 टूर्नामेंट रिलीज कर दिए जाने के बावजूद 2018 और 19 आईपीएल में भी फुल स्ट्रेंथ के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए। मगर हर्षल ने लॉकडाउन के दौरान पूरे दिन नेट प्रैक्टिस कर अपनी बॉलिंग को और साफ कर 2020 रणजी क्रिकेट के 9 मैचों में 52 विकेट लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट में सनसनी फैला दी, जो अक्सर अपने बचपन को याद कर पेरेंट्स को खुद से अलग देखकर जब परेशान होता था तब नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता था। मगर हर्षल आईपीएल में एक बार फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिसने 2016 से 20 लगातार 5 साल तक सबसे ज्यादा फेलियर का सामना किया। इतने फेलियर किसी भी प्लेयर को उसके गेम से हिलाकर रख सकते हैं यार, मगर हर्षल ने हार नहीं मानी। लोग जब हर्षल का मजाक उड़ाते थे तब हर्षल और चुप हो जाता था और बॉलिंग करने नेट पर पहुंच जाता था, और फिर जब 2021 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें जब नई बॉल से शुरुआत और डेथ ओवर में बॉलिंग करने को कहा, तब इस क्रिकेटर ने आखिरकार टूर्नामेंट के 15 मैचों में हैट्रिक के साथ साथ 32 विकेट लेकर कोई बल्लेबाज नहीं छोड़ा जिसे हर्षल ने आउट नहीं किया। उसके बाद बतौर लीडिंग विकेट टेकर बीसीसीआई ने उन्हें पर्पल कैप से सम्मानित किया और न्यूजीलैंड के विरुद्ध ने टीम इंडिया में खेलने का अवसर दिया। इस बार हर्षल मौका चुके नहीं और अपने डेब्यू मैच में 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच हासिल किया। तभी से उनका खेल सुधरता गया, विकेट मिलते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तब जाकर आईपीएल 2022 में उन्हें 10,75,00,000 बम्पर प्राइस में खरीदा गया और फिर 10 साल तक बेस प्राइस पर खेलने वाले हर्षल पटेल ने 15 मैचों में 19 विकेट लेकर एक बार फिर साबित किया, ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं, तुम मत ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं, लक्ष्य ऊंचा ठान लोगे तीर ऊपर जाएगा, काम ना छोटी करोगे हाथ कुछ ना आएगा। तो दोस्तों, ये थे हर्षल पटेल। अगर आप हर्षल के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने